हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं फिर आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, आप सभी के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जब तक वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे, आप सभी को पता नहीं चलेगा कि वीडियो में आखिर है क्या। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, दिए तो सभी के पास रहते हैं, नया दिया पुराना दिया सभी के पास रहते हैं। तो क्यों ना हम इस दिए का आज यूज करें। तो चलिए दोस्तों, मैंने दिए में हार्पिक डाल लिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम दिए में हार्पिक क्यों डाले हैं। तो चलिए मैं इसका रियूज बताती हूँ। तो दोस्तों, आज हम तवे को साफ करेंगे। तो दोस्तों, आप जब तवे घर में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हार्पिक द्वारा आप दिए अपने तवे को साफ करेंगे। तो दोस्तों, आपका तवा कितने भी ऑयली रहेगा, कितने भी गंदा तवा रहेगा, बिल्कुल तवा आपका क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ हार्पिक के हेल्प से मैं ये साफ कर रही हूँ। तो इसमें कितने भी ऑयली रहता है, तो देखिए इसी तरह से मैंने अपने तवे को क्लीन कर लिया है। तो दोस्तों, 10 से 15 दिन में ये ट्रिक जरूर आजमा के देखना चाहिए। तो चलिए, मैंने अपने तवे को साफ कर लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कितना काला तवा था ये, और आप देख पा रहे होंगे कितना इसमें डस्ट निकला है, काला काला। तो चलिए मैं इस तवे को धुल के भी दिखाती हूँ। तो आप थाली में भी देख पा रहे हैं कितने काले काले ये डस्ट निकले हुए हैं। तो देखिए, बिल्कुल काला काला निकला हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपका ये तवा बिल्कुल साफ नहीं होता है, तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप लोग एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा। तो देखिए, हार्पिक से साफ करने के बाद आप सोच रहे होंगे आलू में क्यों काट रही हूँ। आलू क्या रहता है कि लोहे का, जब भी आप बर्तन को साफ करते हैं ना, तो एक बार आलू के इसके ऊपर जरूर रफ करना चाहिए। क्या होता है इससे कि इसमें तवे लोहे के बर्तन में जंक नहीं लगता है। तो दोस्तों, जब भी आप तवा हो गया, कढ़ाई हो गया लोहे का, इस तरह से जब भी साफ करते हैं, तो इस तरह से आपको आलू को जरूर इसके ऊपर रफ करना चाहिए। तो लोहा बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप मेरा इस तरह से प्याज को लेके है। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि मैं प्याज के ऊपर माचिस क्यों जला रही हूँ। तो चलिए इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं कि हम माचिस क्यों जला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, हम प्याज को जब भी छीलते हैं ना, तो प्याज तो हम यूज में ले लेते हैं, लेकिन प्याज का ये जो छिलका है, हम यूज में नहीं लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम प्याज छीलने के बाद हम छिलके को फेंक देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से प्याज को छीलने के बाद हम छिलके को नहीं फेंके, हम इस तरह से प्याज बहुत सारा छील लेते हैं, कभी कभी बहुत सारे छिलके हो जाते हैं, हम इसको फेंक देते हैं, पर नहीं, इसके छिलकों को दोस्तों फेंकी नहीं, आज हम इसके छिलके को रियूज करेंगे। तो चलिए, मैं गैस की तरफ आ चुकी हूँ और मैं पानी रखती हूँ एक गिलास उबलने के लिए। तो दोस्तों, जब ये पानी उबलता है ना, तो इसमें हम डाल देंगे प्याज के छिलके को। तो प्याज के छिलके डाल देंगे और 4 से 5 इसमें माचिस की तिल्लियाँ डाल देंगे। तो दोस्तों, प्याज और माचिस की जो तिल्लियाँ होती हैं, इसका रियूज बहुत ही अच्छा होता है, जो इसका सॉल्यूशन बनता है ना, बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए, मैं इसको थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए पका लेती हूँ, जो भी प्याज का इसमें असर है अच्छी तरह से उतर जाए। तो चलिए, मैंने पका लिया है, गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, अब मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। तो चलिए, ठंडा ये जो माचिस का, ये जो तिल्ली का, ये जो मसाला है ना, इसको मैं अच्छी तरह से इसमें से निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ये जो माचिस की तिल्ली है, हमारे बहुत ही काम आता है। इसमें जो मसाला लगा हुआ है, हम गेहूँ में रखते हैं, हम चावल में रखते हैं, कि इसमें कीड़े वगैरह ना लगे। तो दोस्तों, ये है ना कमाल का आइडिया। तो इस तरह से हमने माचिस की तिल्ली की जो मसाला है, इसमें छुड़ा लिया है। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये कौन से रियूज में आने वाला है। तो चलिए, मैं इसको छान लेती हूँ, और एक छलनी के हेल्प से इसको मैं छान लेती हूँ। और छानने के बाद मुझे करना क्या है, तो देखिए, मैंने इसको छान लिया है, और छानने के बाद एक छलनी की हेल्प से मैंने इसको छान लिया, इसमें जो मसाला था माचिस की तिल्ली का, इसको भी मैंने छुड़ा लिया है। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसको गिलास में छान लिया है, अब इसको हम एक बोतल में भर लेते हैं। आप कोई सी भी बोतल में, स्प्रे वाले बोतल में भर लीजिए। तो देखिए, मैं इसका रियूज बताती हूँ कि मुझे करना क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम रात को सो जाते हैं ना, ये काकरोच हमें बहुत ज़्यादा परेशान करके रख देते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में भी इस तरह से काकरोच हैं, तो ये सॉल्यूशन जरूर बना के इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, काकरोच के लिए तो बिल्कुल रामबाड़ का काम करता है। ये छोटा सा ट्रिक है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो जरा सी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।